असली समाधान करता है ऐसा मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मित्रों, मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर मजबूत है, पर्याप्त अंश बल के साथ शुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो ये आपके जीवन की काफ़ी सारी मुश्किलों को आसान कर देते हैं। शत्रु आपके आसपास भटकते भी नहीं हैं। मंगल के कुछ ऐसे ही फलों के बारे में चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। मुख्यतः लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक मंगल ग्रह के क्या फल होते हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, यदि मंगल शुभ बनकर शुभ भावों में पर्याप्त अंश बल के साथ यदि बैठे हुए हैं तो जातक के अंदर साहस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसी भी कार्य को करने की हिम्मत उसके अंदर रहती है। किसी भी कार्य को करने का मादा जातक रखता है। निडर रहेगा, डरेगा नहीं, बिना डरे कार्य करेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। यदि लग्नेश के साथ मंगल ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाए या जिस भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं उसके राशिपति के साथ मंगल ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाए तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान मंगल ग्रह सामान्यतः जातक को अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि संपूर्ण बातों के लिए आपको लग्न भी देखना होगा कि लग्न कौन सा है और राशि भी देखनी होगी। देखिए, लग्न की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न, इसके अलावा मीन लग्न, धनु लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में मंगल ग्रह कारक रिजल्ट देते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। और इन्हीं राशियों के अंदर भी मंगल ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं, बशर्ते कि ये पीड़ित नहीं हो रहे हों। और ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि मंगल ग्रह नीच राशि के यानी कर्क राशि के होकर यदि बैठ जाएं तब हम इनसे अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। मंगल ग्रह नीच के होने पर अथवा पीड़ित होने पर अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। जातक, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यदि मंगल ग्रह नीच अवस्था के हो रहे हैं तो जातक उतावलापन दिखाने वाला, निर्दयी किस्म का या फिर डरपोक किस्म का भी हो सकता है, इस बात की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएँ पर्याप्त अंश बल के साथ स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर तो जातक को ये उग्र स्वभाव का बनाते हैं। जातक अनुशासन प्रिय होता है, अपनी धाक बनाने वाला होता है यानी अपनी बात मनवाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। हालांकि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर जब या उच्च राशि के होकर मंगल ग्रह लग्न में बैठते हैं तो ये रोचक नामक एक पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं जिसके कारण जातक साहसी होगा। जातक रक्षा क्षेत्रों में विशेष रूप से तरक्की अर्जित कर सकता है। इसके अलावा आइए विचार करते हैं कि मंगल की दृष्टियों के क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, मंगल की चतुर्दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने से भूमि भवन वाहन का सुख जातक को ये अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी जहाँ से हम व्यापार इत्यादि का विचार करते हैं, दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। हालांकि दाम्पत्य की दृष्टि से मंगल की ये दृष्टि ठीक नहीं कही जाएगी क्योंकि जातक मांगलिक भी होगा। हालांकि आपको सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है यानी सप्तमेश की स्थिति भी इसके लिए देख लेना चाहिए। जातक व्यापार इत्यादि में थोड़ा सा उग्र व्यवहार करने वाला हो सकता है यानी यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि मंगल उसे उग्र स्वभाव का बना देते हैं। अब हो सकता है कि पार्टनरशिप में जातक की ना बन पाए ज़्यादा, यानी जातक के व्यवहार वहाँ पर ठीक ना हो, जातक उग्र किस्म का हो, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, अतः धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, आकस्मिक लाभ हो या आकस्मिक घटनाएँ हों तो जातक को धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अब मान लीजिए कि मंगल कुंडली के लग्न भाव में ही बैठे हों और नीच राशि के हो जाएं या शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं। देखिए, शत्रु राशि के हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं तो मंगल वहां पर निपटने की क्षमता रखते हैं यानी जातक को ये थोड़ा सा उग्र किस्म का बनाते हैं। लेकिन नीच राशि के यदि होकर बैठ जाएँ तो जातक थोड़ा सा भयभीत किस्म का भी हो सकता है यदि नीच अवस्था के हो जाएँ तब। तो आइए अब विचार करते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव में बैठ जाएँ तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक को ये स्पष्ट वक्ता बनाते हैं। जातक साहसी होगा और अपनी बात को बेबाकी से समाज में रखने का प्रयास करता है। मंगल की चतुर्दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी जहाँ से हम विवेक बुद्धि का विचार करते हैं तो जातक का व्यवहार थोड़ा सा उग्र किस्म का हो सकता है, इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल क्योंकि एक अग्नि तत्वी ग्रह है और इसकी जो चतुर्दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पर जाएगी जहाँ से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं तो जातक के अंदर क्रिएटिविटी का गुण पाया जा सकता है, इस बात की संभावनाएँ बनती हैं। हालांकि यहाँ से हम संतान का विचार भी करते हैं तो जातक
आपको संतान होने में या संतान प्राप्ति में या तो देरी हो या फिर संतान के साथ कुछ मतभेद बने रहें, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, जहाँ से हम पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार करते हैं, तो पैतृक धन को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। इसके अलावा जातक अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मंगल की जो आठवीं दृष्टि रहेगी वह कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के धन भाव में नीच अवस्था के होकर बैठ जाएँ या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएँ, तो क्या हो सकता है? जातक अचानक क्रोध करने वाला हो सकता है, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला हो सकता है, बुरी आदतों का शिकार हो सकता है, भाई बंटवारे इत्यादि में जातक को दिक्कतें या परेशानियों का अनुभव हो, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। पिता के धन को खर्च करने वाला हो सकता है, पिता के साथ और संतान के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं या मनमुटाव की स्थिति बन सकती, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आपको संपूर्ण बातों के अध्ययन के लिए कुंडली में ये देखना होगा कि मंगल पर स्वग्रहों का प्रभाव है नहीं, और जिस भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि जा रही है उन भावों के स्वामी की क्या स्थितियां हैं, क्या उन भावों के स्वामी अपने भाव में बैठे हुए हैं अथवा नहीं, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। जातक को ये साहसी बनाएंगे, जातक अपने उद्यम से यानी अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा। जातक गरीब घर में जन्म लेकर भी उच्च स्तरीय सफलताएं दर्ज कर सकता है, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अपने जीवन काल में वह ऊंचाइयां अर्जित करता है और जातक के दुश्मन उसके आसपास भी नहीं भटकते। तकनीकी क्षेत्रों में जातक विशेष रुचि ले सकता है, जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पर मजबूत कही जाएगी। रक्षा क्षेत्रों में जातक यहाँ पर सफलताएं दर्ज कर सकता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर होगी। अब ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि मंगल ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठ जाए या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इनमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो जातक को भूमि का लाभ और प्रॉपर्टी का लाभ विशेष रूप से अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान देने का प्रयास करते हैं, वशर्ते कि लग्न और लग्नेश मजबूत हो और मंगल के पास पर्याप्त रूप से अंशात्मक बल हो और ये पीड़ित नहीं हो रहे हों। तो ऐसी स्थिति में भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित और घरेलू सुख से संबंधित लाभ जातक को ये अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान प्रदान कर देते हैं। लेकिन मंगल क्योंकि एक अग्नि तत्वी ग्रह है तो इस बात को थोड़ा सा हमें स्वीकार करना होगा। अब कुंडली के चतुर्थ भाव से हम घरेलू सुख का विचार करते हैं और माता से संबंधित सुखों का विचार करते हैं, तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र रह सकता है, तो अतः जातक को चाहिए कि अपने आप में धैर्य बनाए रखें ताकि घरेलू सुख बाधित ना हो। लेकिन रहा सवाल मंगल का, देखिए मंगल अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को कार्य क्षेत्र में, व्यापार में तरक्की प्रदान करते हैं। दशा या अंतरदशा के दौरान जातक धन लाभ अच्छा कर पाता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, वशर्ते कि मंगल ग्रह की जहाँ पर दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ पर नीच राशि की दृष्टियाँ ना हो और जहाँ मंगल बैठे हुए हैं वह स्वयं नीच राशि के ना हो। यदि मंगल नीच राशि के हो जाए या पीड़ित हो जाए या शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, विशेष रूप से यदि नीच राशि के यदि हो जाते हैं, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इनमें कहीं ना कहीं कमी या दिक्कत या परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी आप बातों को प्रैक्टिकल रूप से इनकी दशा अंतरदशा के दौरान चेक करिएगा, यदि वास्तव में समस्या हो तो इनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं ताकि बुरे रिजल्ट में फिर कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं यदि मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक को संतान पक्ष से चिंता सामान्यतः ये देते हैं, परंतु जातक का जो विवेक होगा वह थोड़ा सा उग्र किस्म का भी रह सकता है। हालांकि जातक विवेकी होगा लेकिन थोड़ा जल्दबाज होगा, कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता ऐसे जातक प्राय रखते हैं, थोड़ा खर्चीला भी ये मंगल आपको बना सकते हैं, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि कुंडली के बारहवें भाव पर जाएगी जहाँ से हम खर्च इत्यादि बातों का विचार करते हैं। चौथी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, तो जातक को थोड़ा सा जल्दबाज बनाती है, अतः जातक को जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना चाहिए। अब मान लीजिए कि मंगल नीच अवस्था के हो जाएं
या किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए तो संतान पक्ष चिंता थोड़ी सी अधिक दे सकते हैं। जातक थोड़ी सी व्यर्थ की बातें करने वाला भी हो सकता है, जो बातें जहां नहीं बोलना चाहिए वह बातें वहां पर बोल दे, इस प्रकार का भी जातक हो सकता है। जातक थोड़ा सा लोगों को चीट करने वाला यानी धोखेबाज किस्म का भी हो सकता है, बिना सोचे समझे बोल दे और लोगों को बात बुरी लग जाए, इस प्रकार का व्यवहार भी जातक का हो सकता है। लेकिन किस हद तक होगा इसके लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल ग्रह की निष्ठा भंग हुई है अथवा नहीं। इसके अलावा मंगल पर स्वग्रहों का प्रभाव है या नहीं, पंचमेश की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है, इन सारी बातों को मद्देनजर रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि मंगल अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान किस प्रकार के रिजल्ट देगा। मित्रों आइए अब विचार करते हैं, यदि मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं तो जातक को ये शत्रुओं से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं। जातक साहसिक होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में जातक को ये विजय दिलवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जातक भाग्यशाली होगा, जातक का शरीर मजबूत होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि लग्न और लग्नेश की स्थिति पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मित्रों ध्यान रखिए मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं यदि ये शत्रु क्षेत्री होकर भी यदि बैठ जाते हैं छठे भाव के अंदर, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए होने चाहिए, तब भी जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। लेकिन मान लीजिए कि ये किसी रूप में पीड़ित हो जाएं या नीच अवस्था के हो जाएं तो जातक लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, जातक को क्रोधी बनाता है। तो अतः जातक को चाहिए कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यदि धैर्य नहीं बनाएंगे तो कानूनी मामलों में फंस जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जातक किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकता है, जातक को धोखा मिले इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अतः यदि आपकी कुंडली में मंगल छठे भाव में है तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें कि धैर्य बनाए रखें, किसी भी कीमत में अपना धैर्य ना खोएं। यदि आपने धैर्य नहीं खोया तो ऐसी स्थिति में फिर यही मंगल आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, आपके भाग्य को बल देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी। तो अतः आप अपने पिता के कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने कार्यों से अपने जीवन को उन्नत भी करेंगे। हालांकि खर्च फिर भी बना रहेगा, लेकिन आपको मजबूती प्रदान करने का कार्य ये मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाएगी, जो कि लग्न को मजबूती देने का कार्य अर्थात आपको मजबूत बनाने का ही कार्य करती है। मित्रों आज के इस वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक मंगल ग्रह के क्या रिजल्ट हो सकते हैं इन पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक मंगल ग्रह के क्या फल होंगे इन पर विचार करेंगे। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।